नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ, वो कल के लिए मतलब सॉरी कल तो छुट्टी है, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग ये जो है कल 2 अप्रैल, तो सेकेंड थर्ड ऑफ अप्रैल का 3 अप्रैल के लिए मैंने मैंने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो डायरेक्शन बताया वो भी 3 अप्रैल का ही होगा। एनीवे तो 3 अप्रैल के लिए मैंने नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए मतलब मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर्स का लेवल दिखाऊंगा, बाय लेवल सेल लेवल्स तीनों सेटअप, बाय लेवल सेल लेवल्स और भी बहुत सारा लेवल्स, गन लेवल्स, फिबोनाची लेवल्स, मूरेस लेवल्स, बहुत सारा लेवल्स दिखाऊंगा अंडर डी एम स्ट्रेटेजी, इनसाइड द बार, NR4 NR7 कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा नोटिफिकेशन। और इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप लोग को प्रॉफिट करने का बहुत ही आसान कर देगा। और ये जो बाय सेल लेवल कम स्किनर है, ये भी आप बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये आप लोग को ये इस्तेमाल करके आप लोग स्टॉक मार्केट में आसानी से काम कर सकता है। इसमें क्या क्या है और कैसे इसको स्किनिंग करना है, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, तो और इसका डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को, मतलब सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग देख सकता है और मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकता है। और जब कुछ डेमो देखना है, इसका डेमो देखना है लाइव मार्केट में, तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैंने ऑनलाइन डेमो दिखा दूँगा। तो इसको इस्तेमाल करके आप लोग आसानी से स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कर सकता है। तो देखिए मैंने अभी नहीं बोल रहा हूँ क्या क्या है, तो ये वो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा ज़रा। तो इसमें और जो लोग एलिस ब्लू एस्टेटेड और आप स्टॉक्स एंजल ब्रोकिंग में ज्वाइन होना चाहता है, मेरा यूट्यूब वीडियो में डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है, वो उधर से आप लोग आसानी से ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए ये जो बाय सेल लेवल 1 है, ये ऑन सेट ऑफ बाय सेल लेवल, फर्स्ट सेट ऑफ बाय सेल लेवल, इसका बाय का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है। और सेल का भी ऐसा है, टारगेट 1 से सेल का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। अभी आप लोग को लेवल चीज करना और एंट्री पॉइंट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप लोग को समझ लेना है। जब मार्केट ओपन होगा वो आप लोग को कहाँ पर ओपन हो रहा है, गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ है, वो आप लोग को कंसीडर करके देख लेना है। आप लोग मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देख लीजिए, जो टुडेज परफॉर्मेंस वाला जो वीडियोस मैंने बनाता हूँ, और इधर अब मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एक का एनालिसिस और टुडेज परफॉर्मेंस वाला एक वीडियोस है, वो भी रिसेंटली है, आप लोग कुछ दिन पहले 5-6 दिन या 7-8 दिन का पहले आप लोग एक साथ ही बनाया है, वो भी आप लोग देख लीजिए, तो आप लोग को मतलब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा क्लियर कहाँ पर एंट्री लेना है। तो कहाँ पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोच लीजिए 1200 से 1208 या 907 का, सोच लीजिए 616 या 626 के बीच में ओपन हुआ है। तो देखिए ना, जब 626 का नज़दीक होगा आप लोग एंट्री नहीं लेंगे ज़रूर, ये आप लोग का आप लोग अपने आप समझ जाएंगे। तो सोच लीजिए 618 6 17 है, तो इधर आप लोग मतलब जो सेल का एंट्री लेवल है उसमें आप लोग स्टॉप लॉस रख के, इधर आप लोग स्टॉप लॉस रख के आप लोग काम कर सकते हैं, इधर इसका 626 के लिए आप लोग एंट्री ले सकता है। तो ऐसे करके आप लोग को समझ लेना है। तो इधर जो नेक्स्ट लेवल है, सोच लीजिए 626 और 632 के लिए लिए आप लोग एंट्री लेना है, तो 616 में आप लोग को स्टॉप लॉस रख के आप लोग को एंट्री लेना है। तो ऐसे करके आप लोग को समझ लेना है। इसके बाद आएगा बाय सेल लेवल 2, ये सब LTP ये जो है, ये सब बीच में जो है, ये LTP वर्सेस मतलब LTP का हिसाब से, लास्ट ट्रेडेड प्राइस का हिसाब से कौन सा लेवल पे है भाई, इतना सारा लेवल्स मैंने दिखाया, तो कौन सा लेवल्स पे है बाय सेल लेवल का, वो आप लोग को इधर से दिख जाएगा। तो इधर इसके बाद बाय सेल लेवल 2 है, ये है बाय सेल लेवल 2, और ये सब चीज़ आप लोग को देखने का नहीं है।
आप लोग को, और इसमें देखिए बहुत सारा इंडिकेटर मैंने दिखा दिया, आप लोग को वीडियो देख लीजिए, इसमें बहुत सारा इंडिकेटर है, इसमें देख के आप लोग आसानी से काम कर मतलब इंडिया ट्रेंड पकड़ सकता है, उसके बाद बाय सेल लेवल में एंट्री लेना बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोग को। और मैंने देखिए और ऐसे ये फाइल आप लोग को मैंने प्रोवाइड, पूरा फाइल प्रोवाइड करूंगा मैंने, मेरा आप लोग पेड सर्विस लेंगे तो जब आप लोग पेड सर्विस लेंगे मेरा पूरा गाइडेंस रहेगा। फाइल शेयर करने के बाद आप लोग को मेरा, मैंने खुद व्हाट्सएप में कॉल देगा, मतलब ऐसा नहीं है ऑनली जो लोग फाइल का नहीं, फाइल में नहीं काम करेगा वो ऑनली व्हाट्सएप में कॉल देख सकता है, या दूसरा कुछ मीडिया से सोशल टेलीग्राम चैनल कुछ भी तरीका से कॉल चाहता है तो वो भी आप लोग को दे दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग को ये फाइल देख के ही काम करना पड़ेगा, तो आप लोग ले सकता है मेरा पेड सर्विस देख के काम कर सकता है। और ये जो वाई सेल लेवल्स है ये कैसे काम कर रहा है आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा, एक भी वाई सेल लेवल कौन सा आप लोग ठीक से यूज़ करेंगे, ठीक से एंट्री लेंगे तो उसके बाद लॉस आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो मेरे को फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मैं देखूंगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है नहीं आता है, आप लोग फीडबैक नहीं, आप लोगों से फीडबैक नहीं मिलता है, लेकिन आप लोगों से फीडबैक मिलने से मेरे को मोटिवेशन आता है अच्छा और भी अच्छा करने के लिए, और मेरा ये वीडियो बनाने के लिए और भी मोटिवेशन आता है। ये है गन एंगल का लेवल्स, ये रेजिस्टेंस साइट का है मतलब बाई साइट, और ये है सेल साइट का, इधर से सेल का एंट्री लेवल बनेगा। ये भी आप लोग को सभी सभी लेवल पे आप लोग को गैप ओवर गैप डाउन जरूर कंसिडर कर लेना है। और ये है गन स्क्वायर ऑफ नाइन का है, गन स्क्वायर ऑफ नाइन का, और ये है मूरस मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मूरस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हाईएस्ट रेजिस्टेंस बीच में रहता है और लोएस्ट सपोर्ट इधर रहता है, और इधर जो S1 S2 से S18 तक रहता है तो इसमें, और इधर ऊपर एच मतलब हाईएस्ट रेजिस्टेंस प्लस वन, हाईएस्ट रेजिस्टेंस प्लस टू, हाईएस्ट रेजिस्टेंस प्लस थ्री, ये रहा है। और इधर कैसे इसके इसका एंट्री लेना का तरीका यह है कि 612 618 को बीच में है तो इधर ऊपर ले एंट्री लेना है, बाई का एंट्री लेना है, और जो 612 को 606 के नीचे बीच में है तो ये नीचे का एंट्री लेवल है, एंट्री लेवल लेना है। तो कितना नज़दीक है कितना दूर है तो वो आप लोग को समझ के ठीक से देख लेना पड़ेगा। इसको जो 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 स्टॉक्स का देख मतलब आप लोग एंट्री लेना चाहता है उसका कौन सा ट्रेंड में है वो भी आप लोग को देख लेना पड़ेगा। ऐसे करके आप लोग को ठीक से समझ सोच समझ के एंट्री लेना पड़ेगा तो लॉस होने का चांस बहुत ही कम है। और इसमें जो है और भी लेवल्स है, इसके बाद ये तो मैंने दिखाया LTP का पोजीशन, और इसके बाद ये जो गान का है, ये कौन सा एंगल पे है गान डिग्री का, उसका जब उसका रिवर्सल टाइम इतना घंटा और मिनट का में है, आवर्स एंड मिनट्स में है, उस पर ये आप लोग नोट कर सकता है कि इतना लास्ट सेशन के बाद इतने इस टाइम पे पर हो मतलब रिवर्सल आएगा। तो इसके बाद देखिए गान एंगल्स का 360 रिप्राइस एनालिसिस कर किया हूँ, 45 डिग्री से लेके 360 डिग्री का फर्स्ट साइकिल, अप साइड और डाउन साइड, ये अप साइड का फर्स्ट साइकिल है और ये डाउन साइड का, ये 45 से 360 अप साइड का फर्स्ट साइकिल का डाउन साइड, ठीक है। इसके बाद ये एंड ऑफ द फर्स्ट साइकिल, मतलब आप लोग को स्टेप बाय स्टेप देखना है, और गैप अप गैप डाउन होना तो है तो आप लोग को ये नेक्स्ट लेवल सोच लीजिए, फर्स्ट साइकिल के ऊपर गैप अप हुआ या फर्स्ट साइकिल के नीचे गैप डाउन हुआ तो आप लोग को, या सेकंड साइकिल के नीचे गैप डाउन तो ऐसे थर्ड साइकिल देखना है, तो ऐसे करके आप लोग को देख लेना है। ये सेकंड साइकिल का अपसाइड और सेकंड साइकिल का डाउन साइड, और थर्ड साइकिल का अपसाइड और थर्ड साइकिल का डाउन साइड। और ये है डिफरेंस देख के कैलकुलेट किया हूँ, वो एक्चुअली हाई लो से देख के कैलकुलेट, ये भी फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल, ये भी आप लोग नोट कर सकता है, इसमें भी आप लोग एंट्री ले सकता है एनिए। और इसके बाद क्या है, इसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी का सभी लेवल दिखाऊंगा। मैंने जब निफ्टी और बैंक निफ्टी दिखा था तो अभी बहुत कुछ लेवल दिखाया था, और इधर और ये बाई सेल लेवल 1 2 3 और भी ये सारा जो चीज़ दिखाया है वो सब लेवल आप लोग को दिखा दूंगा। ये निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और इंडेक्स दोनों का मैंने फिर से बोल रहा हूँ, किसी का कुछ कुछ लेवल ऑब्जर्व किया और किसी में ट्रेड लिया तो उसके बाद कुछ लेवल नहीं मैच किया, मतलब उसमें स्टॉप मतलब बाई लेवल में एंट्री हुआ तो स्टॉप लॉस लग गया इधर या कुछ होगा, तो मेरे को ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, आप लोग को ज़रूर शॉर्ट आउट कर दूंगा।
जो आप लोग का कुछ गलत होगा तो वो भी आप लोग को समझ दूंगा, और मेरा लेवल में कुछ गलत होगा तो वो भी मैंने जरूर देखूंगा। जरा फीडबैक दीजिए मेरे को, तो इसीलिए आप लोग को मेरा भी अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को भी इसका इफेक्टिवली आप लोग कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसका इफेक्टिविटी भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग जितना सारा मेरे को फीडबैक देंगे तो आप लोगों को भी सुविधा होगा। इसको एक अच्छी चीज़ आप लोग मतलब इस्तेमाल कर सकता है, और मेरा भी इम्प्रूव करने के लिए सुविधा होगा। उसके बाद कमोडिटी का दिखाता हूँ। लोग पॉज करके देख ले सकता है, और ये कोई भी स्क्रिप्ट में काम कर सकता है। आप लोग एक दिन कमोडिटी क्रूड ऑयल कॉपर कुछ भी ऑब्जर्व करके देखिए, इस कोई भी लेवल एनी लेवल। ऐसा नहीं है कि आप लोग को कुछ मैंने इतना सारा लेवल्स दिखाता हूँ। तो इसमें क्या होता है, मैंने एक्चुअली कंपेयर करके सभी लेवल कंपेयर करके मैंने ट्रेडिंग का डिसीजन लेने का पसंद करता हूँ, बहुत सारा लेवल्स। तो एक कुछ एक में काम कर सकता है तो आप लोग वो भी काम कर सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई भी लेवल है मतलब एटलीस्ट 90% के ऊपर एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। और आप लोग को ये तीन चार तो स्टॉक्स या निफ्टी बैंक निफ्टी आप लोग को एक दिन का एंड ऑफ द डे डाटा देता हूँ, वही सफिशियंट है। उसके बाद आप लोग को मतलब ये लाइव मार्केट में भी मैंने टाइम टू टाइम अपडेट दूंगा, तो आप लोग को काम करने का बहुत ही सुविधा हो जाएगा। यह कमोडिटी का लेवल्स, उसके बाद फ्यूचर्स का कुछ लेवल दिखा देता हूँ। आप लोग कुछ भी स्टॉक्स फ्यूचर्स या कुछ भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने और भी लेवल्स डेवलप करूँगा, और भी इतना सारा लेवल्स के मतलब जो गाइड जो लेवल्स एक्चुअली लाइव मार्केट में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और डिसीजन लेना पड़ेगा कौन सा लेवल सही रहेगा, तो इसीलिए लेवल्स को ज़रूरत होता है वो। तो मैंने इसीलिए बनाया, तो आप लोग देख सकते हैं। सोच लीजिए बाई सेल लेवल 1 आप लोग को मतलब गैप अप गैप डाउन हुआ, आप लोग समझ में आएगा वो बियॉन्ड चला गया, मतलब मार्केट उधर से ऊपर या बहुत से ऊपर या बहुत नीचे। तो आप लोग दूसरा लेवल्स को देखेंगे, देखिए कहाँ पर इसका नेक्स्ट लेवल है, बाई का एंट्री लेवल या सेल का एंट्री लेवल कहाँ पर आ सकता है। सोच लीजिए आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा, रिट्रेस होकर नीचे आएगा, उसके बाद फिर से वो बाई का एंट्री लेवल और बाई सेल का एंट्री लेवल आएगा, तो सेल का एंट्री लेवल में आप लोग देख सकता है एंट्री ले सकता है। और या आप लोग को नहीं तो आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा, फिर से वो बाई लेवल आएगा। बहुत सारा चीज़ देखना पड़ेगा, ऐसे ही तो नहीं होता कि मैंने लेवल दे दिया और आप लोग को इस तरह एंट्री ले लिया। तो इसीलिए आप लोग को इसीलिए सर्विस लेके देना पड़ेगा। इधर देखिए बायोकॉन में ये 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी बायोकॉन में बना है। 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हूँ, रोज एक्सप्लेन करता हूँ। और डीबी स्लैब में बना है कि जो आज का कैंडल को जो 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है उसका जब हाई लो तोड़ता है तो अच्छा मूवमेंट मिलता है।
और ये है गापी मल्टीपल मूविंग एवरेज। ये आप लोग किसी भी जगह से स्टडी कर ले सकते हैं गापी मल्टीपल मूविंग एवरेज क्या होता है। तो इधर देखिए ये ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है और ये ग्रुप ऑफ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, ठीक है। उसका एवरेज शॉर्ट टर्म और एवरेज लॉन्ग टर्म जब जो है, तो स्टॉक्स जब एवरेज शॉर्ट टर्म के ऊपर होगा और या नीचे होगा उसका हिसाब से। इधर जो ट्रू दिखा रहा है ये डाउन साइड का ट्रेंड है और जो ऊपर है वो अप साइड का दिखा रहा है। और इसके बाद मैंने इंसर्ट द बार NR4 NR7 दिखाऊंगा कहाँ पर बना है। इंसर्ट द बार NR4 NR7 देखिए इसमें SEC में बना है वन डे का हिसाब से, और NR7 भी बना है, NR4 भी बना है। इधर अदानी, इधर अदानी एंड में बना है, इधर अदानी पोर्ट में बना है, और इधर आप लोग देख सकते हैं इधर बजाज फिनसर्व, बजाज और ये सब देव में बना है, बजाज फिनसर्व और बजाज फिनांस में बना है। उसके बाद देखते हैं और भी कुछ एंड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या फॉर्मेशन हुआ है। इधर देखिए लोअर हाई लोअर लोज बना है भारत फोर्ज भक्ति एयरटेल में। आप लोग चार्ट में चेक कर सकता है, मैंने अभी तो चार्ट में देखा नहीं, तो मेरे को टाइम जोध लग जाएगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में बना है पॉजिटिव हैमर। उसके बाद इधर से तो और भी कुछ नहीं दिख रहा है। और इधर देखिए मास्टर लॉन्ग बना है अमराजा बैटरी में, बजाज ऑटो में, बजाज फिनसर में, मास्टर शॉर्ट बना है इधर अदानी एंड में, अदानी पोर्ट में। ये सब आप लोग को मतलब हाई लो जब तोड़ेगा तो आप लोग को एंट्री लेना है। तो इधर बुलिश एनगल्पिंग बना है अंबुजा सीमेंट पे, शेकआउट बना है अपोलो हॉस्पिटल अपोलो टायर में, शेकआउट बना है इधर 50-50 बना है बहुत सारा स्टॉक्स में। आप लोग इधर मैंने जब क्लिक करता हूँ इसे इधर हाई स्टॉक हाईलाइटेड हो जाता है वो आप लोग देख सकता है। और देखता है बुलिश बियर इस रिवर्सल कुछ बना है, हाँ बालकृष्ण में बुलिश रिवर्सल एक बना है, फेडरल बैंक में भी बना है। और इधर डार्क क्लाउड कवर, हाँ डार्क क्लाउड कवर बना है कैडिला हेल्थ में। और इधर ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट कुछ दिख रहा है SEC में, अमराइजा बैटरी में, बजाज ऑटो में और सेंचुरी टेक्स में। और इधर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कुछ दिख रहा है बुलिश ब्रेकआउट दिख रहा है सिप्ला में। और इधर और भी कुछ मैंने स्क्रॉल करूँगा तो बहुत सारा निकलेगा, लेकिन इतना सारा दिखाने का टाइम मेरा का इतना टाइम नहीं मिलेगा मेरे को, और भी कुछ दिखाना पड़ेगा, दिखाने का इरादा है तो इसलिए जितना सारा मतलब आप लोग को दिखाने का मतलब है कि आप लोग इसका समझे कि क्या क्या है और कैसे आप लोग काम कर सकते हैं। आप लोग इसको मैंने जो दिखाया हूँ दिखा रहा हूँ वो आप लोग लाइव मार्केट में आप लोग टेस्ट कीजिए उसका वो क्या कैसे बिहेव करता है, तो ये आप लोग को जरूर काम पे आएगा। और देखिए फिबोनाची का जो 7 डेज का हिसाब से, 5 डेज का हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से, 15 डेज का हिसाब से, 1 डेज का हिसाब से मैंने ये कुछ स्टॉक्स आप लोग को दिखा देता हूँ। ये स्टॉक्स कुछ आप लोग ऑब्जर्व कर सकता है। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो अभी यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। तो स्टॉक्स में मैंने रोज ही ऑनली निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाता हूँ, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। मैंने कुछ स्टॉक्स में दिखा देता हूँ। ये देखिए कोई भी मतलब लॉन्ग टर्म कुछ लेवल जब ब्रेक होता है या शॉर्ट टर्म कुछ ब्रेक लॉन्ग टर्म ब्रेक जब होता है तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। सोच लीजिए फिबोनाची का लॉन्ग टर्म 30 डेज का कुछ लेवल आ गया तो उसमें आप लोग 1 डे का हिसाब से तो देखेंगे जरूरी जरूर जरूर देखेंगे ही, लेकिन शॉर्ट टर्म का जब लॉन्ग टर्म का जब 1 डेज का 2 डेज का 3 डेज का वो तो देखेंगे। लॉन्ग टर्म जब कुछ लेवल आ जाएगा तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। इधर CPR और R1 R2 मतलब CPR पिवट पॉइंट का लेवल भी मल्टीपल टाइम फ्रेम में बना हुआ है। और इधर से फिबोनाची लेवल्स है ये वोलाटिलिटी लिंक्ड हुआ है, डेली वोलाटिलिटी कैलकुलेट किया, डेली वोलाटिलिटी का बेस्ट ये कैलकुलेट किया गया है। ये गान का एंगल्स है R1 R2 जो दिख रहा है ये भी वोलाटिलिटी बेस्ट है गान का एंगल्स, ठीक है। तो उसके बाद इधर सेल एंट्री बाय एंट्री कॉल कहाँ लेना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पर है वो भी देखा है, ये गान एंगल्स का है।
ये भी वोलेटिलिटी बेस्ड है, ये आप लोग ऑब्जर्व करके कुछ भी मेरे को फीडबैक दीजिए। मैंने जरूर आप लोग को कुछ भी इजे रहा है फिबोनाची का वन स्टैंडर्ड डेविएशन और वन स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से ये है एरिया वेव का कैलकुलेशन, इसमें अभी आप लोग देख सकता है। और ये है एक लास्ट में एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड एक बना है, ठीक है लोग, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड जो कैलकुलेशन है ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, अभी ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, बाद में और भी मैंने लेवल्स दिखाऊंगा। और मेरा मैं लास्ट में मैं फिर भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी लेवल्स ऑब्जर्व कीजिए, नहीं तो मैं और मेरा वीडियो वो वाला वीडियो देख लीजिए कैसे यूज़ करना है और क्या क्या है व्हाट आर द लेवल्स, वो यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग जरूर मेरे को फीडबैक दीजिए कि कोई भी लेवल आप लोग एक 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 या दो लेवल आप लोग यूज़ कर सकता है, नहीं तो तीन चार तो लेवल आप लोग कंपेयर करके उसके बाद देखिए कौन सा लेवल आप लोग को सही लगेगा, उसको लेवल आप लोग कीजिए। और जरूर मेरे को फीडबैक दीजिए, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो या अच्छा हुआ तो वो भी आप लोग बोलिए, फीडबैक दीजिए। और जो आप लोग को कुछ फेल हुआ तो लेवल्स तो वो भी आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, मैंने और भी लेवल्स डेवलप करूँगा और इसके बाद आप और भी अच्छी तरीके से जब आप लोग को मतलब स्टॉक मार्केट प्रॉफिट हो सकता है ऐसे लेवल मतलब करूँगा, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो आप लोग तब तक के लिए धन्यवाद।